लोग जो है वो आगे नहीं आ पाए, इसीलिए उनको उचित और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए ही समाज के जो कमज़ोर वर्ग होते हैं, जो पीड़ित वर्ग होते हैं, जो उत्पीड़ित वर्ग होते हैं, उनके लिए चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, भारत में जो आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था को अपनाया गया है, इसमें क्या होता है, जो भी निर्वाचन क्षेत्र जिस जाति के लिए आरक्षित है, तो जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा, जो भी उम्मीदवार खड़ा होगा, वो उसी जाति का उम्मीदवार होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई सीट जो SC के लिए रिजर्व्ड है, तो वहाँ पर जो कैंडिडेट खड़े होंगे वो केवल SC के ही होंगे, मतलब शेड्यूल कास्ट का ही कोई व्यक्ति वहाँ पर खड़ा हो सकता है। ठीक है, तो संविधान में जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है, उनके लिए लोकसभा के अंदर भी और राज्य की जो विधानसभाएं हैं उनमें आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, पहले जो था ये 2010 तक के लिए था आरक्षण, अब इसको बढ़ा करके 2025 जो है उस तक के लिए इसको कर दिया गया है। और अगर इसको और भी आगे बढ़ाना चाहे तो ये संसद पर डिपेंड करता है कि वो उसको और भी अधिक आगे बढ़ा सकती है। अगर आप वर्तमान में निर्वाचन क्षेत्रों की बात करेंगे तो लोकसभा के अंदर 543 निर्वाचन क्षेत्र जो है उनकी सीट्स जो है उनमें शायद 79 अनुसूचित जाति के लिए और 41 जो है वो अनुसूचित जनजाति जो है उनके लिए आरक्षित की गई है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि समाज के पिछड़े और कमज़ोर वर्ग जो हैं वो चुनाव के अंदर अपनी पूरी भागीदारी निभा सकें, दलित वर्ग से जो आपके सामान्य वर्ग हैं वो उनको ना दबा पाए, इसलिए इनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है,